हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहां पर हम यह पॉइंट का लोकेशन जानने वाले हैं, यह पॉइंट का नाम क्या है, किस तरीके से यह पॉइंट को दबाने, कौन कौन से बेनिफिट्स आप ले सकते हो यह एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के। अगर आपको अस्थमा की तकलीफ है, ब्रेथलेसनेस यानी कि ब्रीद लेने में डिफिकल्टी हो रही है, जैसे ही आप लाई डाउन होते हो, सोते हो, आपको ब्रीद लेने में डिफिकल्टी होती है, या तो फिर कफिंग की तकलीफ है, तो यह पॉइंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इनके अलावा भी बहुत सारे फायदे ले सकते हो आप यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के। यह पॉइंट का नाम है LU9 यानी के लंग मेरिडियन का 9 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट लंग यानी के फेफड़े का सोर्स पॉइंट है, यानी कि यह पॉइंट को दबा के आप फेफड़े को, लंग्स को मजबूत बना सकते हो। यह पॉइंट दबाने से आपको अलग अलग बीमारियों में फायदा हो सकता है, जैसे कि कफिंग, अस्थमा, ब्रेथलेसनेस, इनके अलावा हिकप्स यानी कि हिचकी आती है, बेल्चिंग यानी कि डकार होते रहते हैं, या तो फिर आपको एसिड रीगर्जिटेशन हो रहा है, जैसे आप खाना खाते हो आपका एसिड बाहर निकलता है, फूड बाहर आ जाता है, या तो फिर हाइटस हर्निया हो रहा है, यूरिन पास करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो इसमें भी यह पॉइंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आपकी छाती में बहुत ही ज़्यादा आपको फुलनेस लग रही है, बहुत ही ज़्यादा कफ जम गया है, तो यह पॉइंट आप दबाइए। आपका चेहरा सूज जाता है, तो यह पॉइंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर पहले जान लेते हैं यह पॉइंट का लोकेशन। यह पॉइंट हमारे हाथ पर मिलता है, हमारे हाथ की जो आगे की सरफेस होती है वहां पर हमें यह पॉइंट मिलता है। यह पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहले आपको रिस्ट लाइन लोकेट कर देनी है। तो यह हमारी रिस्ट लाइन है, रिस्ट लाइन का जो अंदर का एंड है यानी के थंब साइड का जो एंड है वहां पर हमें यह पॉइंट मिलता है, जहां पर ऊपर की व्हाइट और पीछे की डार्क स्किन एक दूसरे से मिलती है, वहां पर हमें यह पॉइंट लोकेट करना है। फिर से जान लेते हैं, हमारी जो रिस्ट लाइन है, यह रिस्ट लाइन का थंब सेट का जो एंड है, जहां पर ऊपर की वायर स्किन और पीछे की डार्क स्किन का जंक्शन है, वहां पर हमें यह पॉइंट मिलता है। तो यह पॉइंट हमें इस तरीके से 2 मिनट के लिए दबाना है, या तो फिर यहां पर आप इस तरीके से सर्कुलरी मोशन में भी एक्यूप्रेशर दे सकते हो। तो यह हो गया हमारा LU9 यानी के लंग मेडियन का 9 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यहां पर यह पॉइंट हमें क्यों फायदा देता है वह जान लेते हैं। जैसे ही हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी जो श्वास की एनर्जी होती है वह हमारे शरीर के अंदर जाती है और नीचे की डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होता है, इसीलिए हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन पहुंचता है, वहां पर नरिशमेंट मिलता है। पर अगर यह एनर्जी का फ्लो नीचे की डायरेक्शन की जगह पर ऊपर की डायरेक्शन में हो जाता है तो सभी प्रोसेस उल्टी होने लगती है, यानी कि जो यूरिन पास करने में हमें एनर्जी नीचे चाहिए वह नहीं मिल पाती, इसीलिए हमारा यूरिन भी रुक जाता है। फिर हमें कफिंग होने लगता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, ब्रेथलेसनेस होता है, जैसे ही हम लाई डाउन होते हैं हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, हिकअप आते रहते हैं, हिचकियाँ आती रहती है, जैसे हम खाना खाते हैं वह खाना अच्छी तरीके से पचता नहीं है, क्योंकि खाना पचाने के लिए नीचे की डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होना जरूरी है, पर अगर यह फ्लो उल्टा हो गया है तो हमारा खाना अच्छी तरीके से पचता नहीं है, हमें बेल्चिंग होता रहता है यानी कि डकार आते रहते हैं, हमारा चेहरा भी सूज जाता है, हमारे चेस्ट में कफ जम जाता है, अस्थमा की तकलीफ हो जाती है क्योंकि एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो यह पॉइंट दबा के आप जो एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन है यानी कि नीचे की डायरेक्शन में एनर्जी, लंग एनर्जी फ्लो हो रही है, उनको नॉर्मल बना सकते हो और यह सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो इतनी सारी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हो सिर्फ यह एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए,
और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।